नमस्कार दोस्तों, आर्मी ऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन के इस सिलसिले को लगातार जारी रखने के लिए मैं आपका होस्ट विमल तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की चर्चा है आर्मी में होने वाले रिफॉर्म्स के बारे में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सेना में जो सिटीजन्स को 3 साल के लिए टूट ऑफ ड्यूटी के बारे में के रूप में सिटीजन्स को जो भर्ती किया जाना है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सत्यता है। दरअसल मीडिया में खबरें आती तो हैं लेकिन उसको पूर्ण रूप से दिखाया नहीं जाता है। क्या उसके पीछे की सत्यता है? लोगों के मनों में काफ़ी भ्रमों की स्थिति भरी हुई है, तो आज उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आर्मी में होने वाले रिफॉर्म्स के, क्योंकि ये भी उन्हीं रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता है। तो आर्मी में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आर्मी में रिफॉर्म्स की मांग आज से नहीं चल रही है, बीते कई वर्षों से आर्मी में बदलाव की मांग बहुत ज़ोरों पर थी। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। IBG के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से IBG हमारे भारतीय सेना के जो मारक क्षमता है उसमें नए स्तर का बदलाव करेगा, और वो भी इन्हीं रिफॉर्म का एक हिस्सा था। तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं इस रिफॉर्म्स के बारे में। तो जब इन रिफॉर्म्स की मांग बहुत ज़ोरों पर थी तो उस समय के 2014 में हमारे रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी ने कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सिक्टकर जी थे। तो इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सेना की जो मैन पावर है उसको किस प्रकार बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है तथा सेना में होने वाले खर्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि सेना के पास कुछ ऐसा बजट बचे, कुछ ऐसा पैसा बचे जिसका वो इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण में करें। क्योंकि इस समय पर जब पूरे विश्व की सेनाएं अलग अलग स्तर के युद्ध के लिए तैयार हो रही हैं तो ऐसे में हमारी सेना का भी आधुनिकीकरण एक बहुत ही ज़रूरी मांग है। तो उस कमेटी ने लगभग 200 के करीब सिफारिशें अपनी दी थी, 200 के करीब बदलाव का सुझाव दिया था, जिसमें से मुख्यतः 99 पर उन्होंने मुख्य रूप से बिंदु में प्रकाश डाला था, जिसमें से 65 को केंद्र सरकार ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मंजूरी दे दी है। और उन्हीं प्रयासों का एक ये हिस्सा है जो आप टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए सिटीजन्स की आर्मी में भर्ती को देख रहे हैं। दरअसल पूरी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती हैं। आज हम उनमें से ही कुछ जो सरकार ने खुद प्रेस रिलीज में जिन चीज़ों की जानकारी दी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि भविष्य में अगर किसी और सेना में परिवर्तन होता है किसी और प्रकार का तो आपको उसमें समझने में दिक्कत ना हो। जिस प्रकार अभी भ्रम की स्थिति बनी है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के सामने इस समय पर एक प्रेस की रिलीज है PIB की, और आप उसमें सेकेंड पैरा में देख रहे होंगे, द फर्स्ट फेज ऑफ द रिफॉर्म इन्वॉल्व्स रीडिप्लॉयमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 57,000 पोस्ट ऑफ ऑफिसर रेशियोज ऑफिसर रैंक्स एंड सिविलियंस। यहाँ पर जो 57,000 पोस्ट के रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है ये वही रीस्ट्रक्चरिंग है जो कि मैंने पिछले वीडियो में IBG की बात करी थी। IBG को मैंने बताया था कि किस प्रकार से IBG का गठन किया गया, कि आर्मी का जो स्ट्रक्चर था जो पहले डिवीजन के बाद ब्रिगेड आती थी, अब डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में IBG को बनाया गया है, ऐसा गठन किया जो एक छोटा इन्फॉर्मेशन हो और असरदार हो। और अगली जो इसका पॉइंट था वो था एंड सिविलियंस। तो उसी वक्त इसमें एक वर्ड ये सिविलियंस ऐड किया गया था जो कि उस समय लोग नहीं समझ पाए थे कि सिविलियंस का यहाँ पर क्या महत्व। वो सिविलियंस वर्ड इसीलिए यूज किया गया था कि आर्मी में आगे चलकर सिविलियंस की भी भर्ती की जाएगी। अभी हम इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम आर्मी में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं जो इस प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने बताया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ मुख्य है उसमें से जो सरकार ने बताया उसमें से है कि रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज, कॉप्स एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट, कॉप्स ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट, इन सब को सम्मिलित कर एक दिशा में कार्य करने के लिए कहा जाएगा। और आगे जो रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एक्लन टू इंक्लूड व्हीकल डिपोट्स एंड सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट। दरअसल सेना ने
आगे यह प्रयास किया है कि जो सेना के वर्कशॉप्स थे उन सबको अब कम किया जाएगा और जो इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं उनकी वर्कशॉप्स की मदद ली जाएगी। साथ में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, अब क्या किया जाएगा कि जो हमारी आर्मी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें वृद्धि ना करके जो अभी मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका हम व्यापक स्तर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात यहाँ पर करी जाएगी। अगली बात है इसमें कि इन्हेंसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइवर्स एंड क्लर्कल स्टाफ, मतलब कि जो आने वाले समय में जो हमारे साथी आर्मी में क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। अब आर्मी जो उसके ड्राइवर और क्लर्क हैं उनके बढ़ाने वाली है। अब बात अगली जो एक और पॉइंट है यहाँ पर वो क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट इन पीस प्लेसेस, मतलब जहाँ शांति का क्षेत्र है वहाँ पर आर्मी अपने फार्म्स और जो पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट है उनको बंद करेगी और इन इन सब पे जो खर्चा होता था उस पैसे को बचाया जाएगा। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इम्प्रूव द इफ़िशेंसी ऑफ एनसीसी, एनसीसी की इफ़िशेंसी को बढ़ाई जाएगी। एनसीसी के महत्व आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाले हैं, तो जो हमारे नए व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमारे छात्र देख रहे हैं, मैं उनसे रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीसी ज़रूर लें। मैं पर्सनली तौर पे आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि एनसीसी ज़रूर लें। डिसिप्लिन क्या होती है, कैसे रहा जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को एनसीसी में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आने वाले समय में आप आश्चर्य ना हो अगर आपको ये देखने को मिले कि एनसीसी को एचआरडी मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है। एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे भी मकसद यही है कि सेना अपना बजट बचाना चाहती है, पैसा बचाना चाहती है मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण करने के लिए। अगला पॉइंट है कि जो आगामी डिफेंस का हमारा बजट होने वाला है उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा और कम से कम उसको 2.5 से 3% पूरे जीडीपी के बजट का किया जाएगा। 2.5 से 3% जीडीपी का बजट जो होगा, बजट का हिस्सा, वो डिफेंस के लिए सुरक्षित किया जाएगा। और कुछ अलग बिंदु इसमें जो उसमें से हम बात करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स। आर्मी हेडक्वार्टर्स में इस समय लगभग 1400 से 1500 ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं, तो इस कमेटी को ये लगता है कि वो काफ़ी बड़ी संख्या है। उसमें से करीबन 200 से 300 ऑफिसर्स को ग्राउंड ड्यूटी पर भेजा जाएगा। वो अब ग्राउंड ड्यूटी पर जाकर वर्क करेंगे जिससे कि जो वहाँ पर वर्कलोड था उसको कम किया जा सके ग्राउंड ड्यूटी पर। अब हम इसमें और एक चीज़ थी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है पुणे में, उसको ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में बदलने की बात कही जा रही है। सीडीएस की पोस्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसकी पोस्ट का भी जो गठन किया गया है वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही किया गया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं वो इन्हीं कमेटी के सिफारिशों से बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं अब हम कि आर्मी ये भी कोशिश करने वाली है कि जो फायरिंग रेंज हैं जहाँ पे सेना अपने जवानों को फायरिंग के प्रैक्टिसेस करवाती है वहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जिससे जो रियल एम्युनिशन है, जो वास्तविक गोला बारूद है, उनकी बचत की जाए। दरअसल बहुत अधिक मात्रा में गोला बारूद की खपत हो जाती थी ऐसे फायरिंग रेंजेस में सिखाने के लिए जो हमारे जवान थे। अब उनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, उनको एक नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिसमें वो रियल एम्युनिशन को ना यूज करके आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से फायरिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने आज के जो मुद्दा है, जो जिस बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि आर्मी में किस बिहाफ पर या फिर क्या है ये जो 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी या फिर आर्मी में सिटीजन्स की भर्ती की जा रही है। तो ये मुद्दा मैंने आपको बताया कि इसी रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि बहुत सारे इंडिया के जो नौयुवक हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, वो आर्मी को जाना तो चाहती है लेकिन अपना परमानेंट कैरियर नहीं बनाना चाहती। वो आर्मी को इंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन परमानेंट कैरियर नहीं सेटअप करना चाहते हैं आर्मी के थ्रू। तो ऐसे युवा जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन उनका कैरियर उसमें नहीं, वो कैरियर किसी और दिशा में बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली ये बनाया गया है। और इसमें भर्ती होने के लिए आर्मी अपने
जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कोई कमी नहीं करने वाली है। स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे जो पहले थे, सारी स्टैंडर्ड्स, सारा फिजिकल स्टैंडर्ड सब कुछ वही रहेगा। जो उन सब मेजर्स को क्लियर करेगा वही इसमें भर्ती होगा। और एक बात की कंपलसरी नहीं है कि सबको ही भर्ती होना है इसमें, जिसकी इच्छा है, जिसमें क्वालिटी है वो जा सकता है। इससे आर्मी को क्या फ़ायदा होने वाला है? दरअसल आर्मी अपने खर्चों को कमी कर रही है। आर्मी में ही एक ऐसी संस्था है इंडियन आर्मी, जहाँ पर अपने रिटायर्ड जो लोग हैं उनको आर्मी पेंशन योजना देती है। पेंशन जो वन रैंक वन पेंशन है उससे भी में भी आर्मी का बहुत बड़ा बजट का हिस्सा खपत हो जाता है। तो उसको सेव करने के लिए अगर हम 3 साल के लिए आर्मी में अपनी सेवा देंगे, तो दरअसल पहली बात तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि वो परमानेंट आपकी जॉब नहीं होगी, वो एक इंटर्नशिप की तरह होगी। उस 3 साल आर्मी में सेवा देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उस सर्टिफिकेट के बिहा पर किसी भी कॉरपोरेट कंपनीज में, कहीं पर भी, किसी गवर्नमेंट में कंपनीज में भी, गवर्नमेंट सेवाओं में भी आप आगे अपना कैरियर बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। आपको उसमें प्रायिकता मिलेगी कि आपको ज़्यादा उसमें जाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं कि लोगों के मन में क्या भावना है। लोग यही सोच रहे हैं कि इसमें ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में डाला जाएगा, सिटीजन्स को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें वही लोग जा पाएंगे जो जाना चाहते हैं और जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि आर्मी अपने स्टैंडर्ड्स में कोई कमी नहीं करने वाली है। अब 3 साल के लिए जो जाएंगे वो परमानेंट जॉब नहीं होगी आपकी, वो एक इंटर्नशिप होगी। आपको वेजेस, पैसा तो वही मिलेगा जो रियल आर्मी के जवान को मिलता है। आप ऑफिसर रैंक तक भी जा सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद, रिटायर होने के बाद, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको आर्मी से पेंशन मिलेगी और बाकी की सुविधाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके बाद कैरियर बनाने का अलग मौका मिल सकता है, लेकिन आपको आगे पेंशन और आदि सुविधाएँ जो आर्मी के मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो आर्मी ने अब एक ये बहुत ही अच्छा निकाला है तरीका कि अब जिन सैनिकों की ज़रूरत होती थी, अगर वो 18 साल तक आर्मी में अपनी ड्यूटी करता था, सेवा देता था, उसके बाद उसको पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती थी, अब उन खर्चों को आर्मी बचाएगी। 3-3 साल के टर्म में लोग अपनी सेवा देंगे और सेना का भी पैसा बचेगा, और सेना इन पैसों को इस्तेमाल सेना के आधुनिकरण में करेगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, और इसमें दरअसल इसमें भी लोगों, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका मानना अलग अलग है। एक धड़ा ये कहता है कि आर्मी कोई टूर की जगह नहीं है जहाँ पर मनोरंजन के लिए जाएं और ये सब आर्मी में जा कर के जो आर्मी रियल फाइट होती है आर्मी की उसका मजे लें, ये कोई मनोरंजन की जगह नहीं है। एक धड़ा का ये भी मानना है कि युवाओं की प्रतिभा का एक सही जगह पर इस्तेमाल होगा, सेना में पैसों की बचत होगी। तो इसमें लोगों की राय बटी बटी हुई है। अगर मेरा पर्सनल व्यू है इसमें कि मेरे हिसाब से तो ये है कि हर एक स्टैंडर्ड पर, मुझे ये लगता है कि 10वीं से लेकर और ग्रेजुएशन तक के छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना अनिवार्य कर देना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग हो सकता है इससे अपनी राय रखते हों या ना रखते हों, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यही है कि हम लोगों को आर्मी में मिलिट्री ट्रेनिंग की ज़रूरत, हर एक भारतीय नागरिक को ये दी जानी चाहिए, और इसकी ज़रूरत भी है। गांव के जो हमारे महिलाएं हैं, जो गांव की हमारी लड़कियां हैं, जो गांव के हमारे छात्र हैं, वो उन्हें मौका मिलेगा कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, रहने सहने का ढंग अच्छा होगा उनका, उनको अच्छी तरीके से कैसे समाज में रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। बाकी सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, आने वाले समय में अगर सेना में और बदलाव होते हैं तो आपको आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बदलाव एक प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, कोई एकाएक किया जा गया कार्य नहीं है, सब कार्य एक सिस्टम के तरीके से हो रहा है। अभी तक और बदलाव हो गए होते, परंतु महामारी के चलते इन सब कार्यों को आगे बढ़ा दिया गया है। तो होप करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। टॉपिक है कि कैसे आईबीजी का भी गठन किया, जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी उसके बारे में वहाँ पर विस्तृत बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो फिर क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।